सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है, अपनी अपाचे है अपने साथ और NS200 BS7 मॉडल है और ये 6 है। आज इनका आज इन दोनों बाइक्स का माइलेज टेस्ट होगा। NS200 BS7 2024 मॉडल और मेरी है 2022 मॉडल अपाचे आरटीआर 200 और ये चल चुकी है टोटल 5827 किलोमीटर और मेरी बाइक जो है 19000 किलोमीटर चल चुकी है और इस बाइक में जो स्टॉक टायर्स लगे हुए हैं इसमें अपग्रेडेड है दोनों टायर्स। तो चलो आज माइलेज टेस्ट करेंगे दोनों का, देखते हैं कौन कितनी माइलेज देता है। दोनों 200cc सेगमेंट्स की बाइक्स हैं, तो दोनों बाइक्स में फ्यूल नहीं है, चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये देखो, सो गाइस ये स्टार्ट नहीं हो रही है, इसमें ज़रा फ्यूल नहीं है और इसमें गाइस ज़रा भी फ्यूल नहीं है। तो ज़्यादा सेल्फ नहीं मारेंगे और बाकी अभी इन दोनों में एक एक लीटर फ्यूल डालते हैं और फिर निकलते हैं इधर से और करते हैं माइलेज टेस्ट। दोनों को साथ में चलाएंगे और पहले ऑडोमीटर ज़ीरो कर लेते हैं दोनों के, फिर डालते हैं फ्यूल इनमें। रुक जा भाई, रुक जा। तो गाइस ऑडोमीटर ज़ीरो करते हैं पहले इसका। सो गाइस ट्रिप ए और ये रहा इसका ट्रिप बी। सो गाइस इसका ट्रिप बी जो है वो ज़ीरो करते हैं, ये रहा ट्रिप बी, इसको ज़ीरो करते हैं। सो गाइस इसका ट्रिप बी ज़ीरो हो चुका है। एक दो गाड़ी बहुत आ रही है यार। सो गाइस इसका ट्रिप भी ज़ीरो हो चुका है और इसका भी करते हैं अभी। गाइस ये रहा इसका ट्रिप ए और ये रहा इसका ट्रिप बी, सो ये ज़ीरो करते हैं। सो गाइस इसका ट्रिप भी ज़ीरो हो चुका है। सो चलो अभी चलते हैं एक एक लीटर फ्यूल डालते दोनों में। ये रहा एक लीटर फ्यूल जो कि जाएगा अभी अपनी अपाचे में और NS200 में और देखते हैं क्या माइलेज निकलती है। बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना और अगर चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सो चलो करते हैं माइलेज टेस्ट। सो चलो पहले NS में डालते हैं फ्यूल है। पकड़ सो गाइस इसमें डालते हैं एक लीटर। सो गाइस ये गया एक लीटर बाइक में पूरा, बाइक करते बाद में स्टार्ट और अभी करते हैं अपाचे में फ्यूल अप। सो गाइस ये गया एक लीटर अपाचे में भी पूरा। सो चलो अभी इनको स्टार्ट करते हैं दोनों को, बोतल्स को डालते हैं बैग में, ये डाल इनको बैग में। इस बाइक्स दोनों स्टार्ट करके बताता हूँ अभी, फिर निकलते हैं। सो गाइस पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये स्टार्ट हो चुकी है और अभी NS को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मज़ा आएगा माइलेज टेस्ट देखने में, वीडियो में बने रहना। ये तो अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, टाइम लेती है। सो गाइस हो गई स्टार्ट। तो चलो अभी पहले हम NS चलाएंगे और ये RTR चलाएगा साथ में और देखते हैं कितने टाइम में फ्यूल ख़त्म होता है। 60-70 पर चलना ठीक है, नॉर्मल मेरे साथ साथ। सो गाइस साथ साथ में रहेंगी दोनों बाइक्स। चलो निकलते हैं और लेट्स गो। सो गाइस ये तो पूरा राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के चला हुआ है, मैंने नहीं डाली यार, बहुत गर्मी है आज। सो नॉर्मल चलेंगे आज, बाइक बिगानी तो है नहीं हमने। तो दोनों में सेम ट्रिप हमने ज़ीरो कर दिया, फिर दोनों की आपको रीडिंग भी दिखाऊंगा कितना अगर स्पीड किलोमीटर्स का एरर रहता है बाइक्स में, देखते हैं कितना के डिफरेंस आता है दोनों में। तो चलो बाकी मज़ा आएगा वीडियो में, स्किप मत करना गाइस। नॉर्मल चलेंगे 60-70 पे साथ साथ में, ये मेरे पीछे रहेगा। सो गाइस पहले जो मैंने माइलेज टेस्ट किया था NS200 का, वो किया था हमने हाई स्पीड माइलेज टेस्ट, जिसमें मैंने भगाई थी बाइक, तो माइलेज इसने दी थी 27 की। आज लग जाएगा पता, ज़्यादा हम इसको क्रूज़ करते हुए चलेंगे 70, 80, 60 बस इतना ही दोनों बाइक्स। सो गाइस पहले मैंने अपनी बाइक का माइलेज टेस्ट भी किया है, इससे तो मैंने भाई 44 की एवरेज निकाली थी हाइपर राइड में और नॉर्मल में भी इतनी थी इसकी 48 तक, 52 भी निकाली मैंने इससे, पता नहीं आज कितनी देगी यार। अभी तो 19,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक मेरी और ये तो अभी न्यू ही है पल्सर NS। चलो देखते हैं क्या बनता है। तो गाइज अभी मैंने NS200 में टेल टाइट भी लगानी है
तो वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी पिछली वीडियो में हमने ऑफ रोड किया था बहुत तगड़े वाला, एक ये मेरी बाइक थी, एक ये NS 200 थी, एक RC 390 थी, भाई बहुत क्रेजी ऑफ रोड। अगर नहीं देखी वीडियो तो भाई जाके देख सकते हो, बहुत मज़ेदार ऑफ रोड किया था। सो अभी बाइक 2 किलोमीटर चल चुकी है, गाइस बाकी हमने ऑफ रोड किया था तो भाई मैंने दोनों बाइक चलाई थी, ये वाली भी चलाई थी NS, अपनी भी चलाई थी। और भाई सस्पेंशन के हिसाब से बोलो ना भाई, उसमें भले ही टेलीस्कोपिक आते हैं ना भाई, शोभा के सस्पेंशन जो आते हैं वो भाई मच बेटर है भाई इससे। इसमें यार USD आते हैं बट इनको थोड़े से और मोटे देने चाहिए थे यार, ये बहुत ज़्यादा पतले हैं भाई। ऑफ रोड करने में ना भाई बहुत झटके महसूस होते हैं इसमें। भाई आज बंगला मुख्यमंत्री में बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, ओ भाई बहुत लंबी लाइन लगी गाइस नीचे। बंदों के रिएक्शन भाई गाड़ी में खतरनाक। सो गाइस बहुत ज्यादा भीड़ थी यार, और गाड़ी में भाई बच्चों के रिएक्शन बहुत क्रेजी आ रहे थे। चल चल चलो देखते हैं क्या माइलेज मिलती है। अभी बाइक चल चुकी है 4 किलोमीटर। सो गाइस बाइक अभी चल चुकी है 6 किलोमीटर। ये देखो भाई क्या बोले ऐसे बंदों के यार। भाई अपने ड्रैगन का टायर क्या लग रहा है भाई पीछे से। बहुत प्यारी लुक आ रही है। अब इधर भीड़ देखो नाग मंदिर के पास, भाई मेले वगैरह लगे हुए हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा रश है यार। देखो आज तो स्पेशली संडे है तो भाई और ज़्यादा रश है आज तो। वीडियोस होगी तो गाइस ये वीडियो उन बंदों के लिए होगी जो भाई लॉन्ग टूरिंग वगैरह करते हैं बाइक से, जो बिकॉज टूरिंग वगैरह में जब बंदे जाते हैं तो भाई भगाते नहीं है इतनी ज़्यादा बाइक, वो क्रूज़ करके चलते ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन बंदों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद वीडियो होगी ये, इससे पता लग जाएगा। वैसे इन फ्यूचर कोई लेना चाहता है इन दोनों में से कोई भी, तो भाई उसको पता लग जाएगा कि कौन बेहतर है भाई टूरिंग के हिसाब से। भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यार, अभी बस थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे रोड पे गिर जाएंगे, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वहाँ पे अच्छे से हो जाएगा माइलेज टेस्ट। सो गाइस बाइक अभी 10 किलोमीटर चल चुकी है दोनों, उसका भी वो भी 10 किलोमीटर हो गया उसके भी और इसके भी, बिकॉज 0 हमने सेम टाइम पे करी थी। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम अपने 4 लेन पे, रानीताल पहुँच चुके हैं। और बाकी गाइस अगर आप लोग ना वीडियो देख लेते हो भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार, भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए यार। चलो अभी भाई ये बहुत अच्छा लगा है, आ जाओ आ जाओ। सो गाइस बाइक अभी चल चुकी है 11.7 किलोमीटर, 11.7 किलोमीटर। सो गाइस यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लेना अभी, और बाइक अभी 12 किलोमीटर चल चुकी है। तो ये रहा वो रोड, चल भाई आगे चल। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम अपने लंच वाले रोड के ऊपर, और भाई लंच है आगे जगह का नाम तो बोलते हैं इसको हम। तो गाइस अभी इधर मजा आएगा हमारे टेस्ट करने में, अभी आगे आगे चलेगा और स्पीड अपनी उतनी रहेगी 90 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 60, 70, 80, 90 इतनी बस, 100 टच नहीं करेंगे, 100 से नीचे रहेगी। और अभी आप ही ला चुका है, अभी चढ़ाई चढ़नी है हमने। सो गाइस बाइक अभी चल चुकी है 14.5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो कंप्लीट होने वाले अभी थोड़ी देर में।
रोड है यार, ऑसम। बाइक अभी 16.6 किलोमीटर चल चुकी है। भाई क्या लोकेशन है यार, बहुत टाइम के बाद आया यार। जब मेरा पहला जो यूट्यूब चैनल था ना, वो था ना, उस टाइम आया करते थे हम इस रोड पे यार। बहुत बाइक भगाई है भाई उस टाइम, बट अभी यार कम हो गई है बाइक भगाना थोड़ी। हम थोड़ा अभी नॉर्मल चलते हैं। अभी मुझे ना ट्रैवलिंग पसंद है, जैसे हम बाइक्स पे ना लंबे लंबे टूर मारो यार, तो वो भी बहुत जल्द करेंगे यार। सब कुछ देखने को मिलेगा भाई, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस बाइक अभी चल चुकी है 17 किलोमीटर, देखते कितनी और चलती है अभी। तो गाइस मेरी बाइक ना थोड़ी बल्की तो लगती है ना भाई, बट इसमें थोड़ी सी और पावर होती है, थोड़ी सी और भाई क्रेजी। रोड देखो क्या सही रोड है यार। बच्चे बहुत खुश होते भाई। इस बाइक अभी चल चुकी है 18.2 किलोमीटर। तो गाइस अभी पहुंच चुके कुछ इस तरह की जगह पे, जगह देखो भाई ऑसम। और बाइक अपनी चल चुकी है 21.6 किलोमीटर। क्या हुआ क्या हुआ क्या है साइड इतनी चल पो, हाईवे करना, हाँ हाईवे करना है, रास्ते से चल पो। सो गाइस ये बोला था इस रास्ते से चलते हैं, बट मैंने बोला हाईवे पे करेंगे यार, ये फिर लिंक रोड पड़ जाएगा। तो गाइस 21.8 किलोमीटर 22 किलोमीटर जो कंप्लीट होने वाले हैं। अभी बाइक चल चुके 27.2 किलोमीटर NS 200, और अपने अपाचे के भी भाई उतने हो चुके होंगे इस टाइम के लिए और इस टाइम तक। सो देखते हैं अभी कितना और चलती है। अभी थोड़ी दो बार मिस मारा है इसने बीच में, देखते हैं। चलो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, यार अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई वीडियोज देखा करो भाई, ऐसे कोई फायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का चैनल को। देखो भाई पूरा बाजार वगैरह सब कुछ बंद पड़ा है संडे आज, इसलिए। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई छोटा सा बच्चा। हाय अंकल भाई, चल चल सो गाइस बाइक अभी 28.6 किलोमीटर चल चुकी है। ये क्या कर रहे हैं बंदे भाई, मिस मार रही है, रुक जा भाई, मत मार मत मार मत मार मत मार, अभी दौड़ चलना तूने। ओ भाई धूप चली गई गाइस। सो अभी बाइक चल चुकी 30.4 किलोमीटर। भाई व्यू देख रहे सामने का, क्या क्रेजी है यार, ऑसम।
भाई। सो गाइस बाइक अभी चली गई 31.3 किलोमीटर। इंटरेस्टिंग यार जब हाइपर राइड करी थी भाई तो 27 किलोमीटर पे बस कर दी थी इसने, अभी चले जा रही है, अभी तो है इसमें पेट्रोल, देखते हैं कितना चलती है। और सो गाइस मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 35 प्लस तो दे ही देगी। ओ भाई 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 मत मार मिस यार। अरे पाचे पता नहीं मिस मार रही। ओ भाई साहब कितना पोल्यूशन भाई, ओवरटेक भी नहीं कर सकता यार, मिस मार रही है यार ये। चलो देखते हैं कितना चलेगी। और ओ भाई शिट, भाई देखो कितना पोल्यूशन फैला रहा है यार ये। सो गाइस 32 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके बाइक के। बहुत मिस मार रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। सो गाइस बाइक 33.2 किलोमीटर चल चुकी है, चल चुकी है 34.4 किलोमीटर, 35 किलोमीटर गाइस कंप्लीट होने वाले यार। भाई 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 क्या कर रही है यार ये। ओ ओ हो सो गाइस जितना चलेगी उतना चलाएंगे, बाकी देखते हैं। अभी ख़त्म होने वाला फ्यूल इसमें, अपनी बाइक में मिस मारने स्टार्ट कर दी है अपाचे। सो गाइस ये चल चुके 34.7 किलोमीटर। ओ भाई भाई चल चल शाबाश चल। गाइस बाइक के 35 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत मिस मार रही है। तो अभी है इसमें पेट्रोल, अभी मिसिंग मार रही है बट पेट्रोल है इसमें, देखते हैं कितना और चलती है। बस अभी मुझे नहीं लगता थोड़ी और चलेगी, बंद हो जाएगी मुझे लगता है। हो गई बंद चल चल हो गई गाइस। लो भाई ये तो बंद होगी, स्टार्ट होगी पीछे दोगी। सो गाइस फ्यूल टैंक चेक कर लेते हैं इसका एक बार। भाई खत्म हो चुका है भाई पेट्रोल पूरा तरीके से। सो गाइस इसको छाया में लगा तो इसको रन दे दे, खड़ी इधर कर दे रन दे इसका आगे ने बताने किलोमीटर यार। छाया भाई वो पीछे, छाया पीछे चलते हैं गाइस थोड़ा सा, इधर मीटर नहीं दिखाई दे। सो गाइस नहीं हो रही स्टार्ट, उधर लगाता हूँ बाइक, अभी फिर दिखाता हूँ आपको कितनी माइलेज दी है। अभी अपनी अपाचे में तो है पेट्रोल, देखते हैं फिर। सो गाइस फाइनली छाया में आ चुके थोड़ा, और अभी बाइक का फ्यूल जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये देख लो एक बार फिर से, न्यूट्रल करता हूँ इसको। सो गाइस ये चेक करो, अभी बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं ले रही, बिल्कुल भी नहीं। और बाइक चल चुकी है अभी 38.5 किलोमीटर, ये देख सकते हो 38.5 किलोमीटर इसने एवरेज दिया 1 लीटर फ्यूल में। सो गाइस ये है इसकी एवरेज 38.5 किलोमीटर की, और नॉर्मल चलाई थी 60 70 80 तक और टॉप गियर में, बाकी देख सकते हो बड़ी एवरेज भाई पावर के हिसाब से। अभी उसका करते हैं और इसमें फ्यूल डालते हैं पहले, फिर उसको लेके चलते हैं, चलते हैं अभी इस साइड ही चलें, वो चलाऊँगा। सो गाइस इसका माइलेज टेस्ट कंप्लीट हो गया, अभी उसमें फ्यूल है और अभी अपने ड्रैगन को लेके चलते हैं, देखते हैं ये कितनी एवरेज देता है। वो आई थी 38.5 और इसमें देखते हैं अभी क्या शो कर रहा है। सो गाइस ये ट्रिप एफ दिखा रहा है, ये फ्यूल ख़त्म होने के बाद चलती है ट्रिप। सो ट्रिप भी जो हमने ज़ीरो करी थी इसकी वो है 37.5 किलोमीटर। सो चलो देखते हैं अभी कितनी एवरेज देती है, और ये तो स्टार्ट हो चुकी है अभी चलेगी। और
भाई बंद होगी। सो भाई इधर आप हिल है ना, तो इस कारण बंद हो रही है यार। थोड़ा स्ट्रेट रोड आ जाएगा ना फिर नहीं होगी बंद। सो गाइस अपनी बाइक चल चुकी है अभी 37.8 किलोमीटर। अभी नॉर्मल चलानी पड़ेगी ये। सो गाइस देखो अभी इसने मिस मारना बंद कर दिया। इसका फ्यूल ना पीछे चला जाता है, इसकी टैंकी की शेप ही ऐसी है भाई, वो तो भाई गोली की तरह चले गए आगे। ये देखो अभी इसने मिस मारना बंद कर दिया ना, अभी चलेगी ये वो। सो गाइस अपनी बाइक चल चुकी है अभी 38.5 किलोमीटर, देखते कितनी देती है अभी। और इसमें ना और देखो दोनों बाइक्स जहाँ पे रुकी थी ना, हमने सेफ जगह पे बंद करी थी, तो NS की रीडिंग जो है वो आगे आई थी थोड़ी सी, इसकी पीछे आई थी 1 किलोमीटर। तो अभी पता नहीं मीटर एरर किसमें है किसमें नहीं, कुछ पता नहीं लगा सकते यार। चलो बट 1 किलोमीटर का डिफरेंस था भाई दोनों बाइक्स में। चलो देखते अपनी कितनी चलती है। अभी 39 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुके हैं इसके। ऐसे गाइस NS 200 ने भी काफ़ी बढ़िया माइलेज दे दी यार, पावर के हिसाब से बहुत बढ़िया माइलेज है। अगर नॉर्मल चलाओगे ना भाई तो 40 तक भी इजीली निकाल सकते हो आप NS 200 से। तो गाइस अब इसको मैं टॉप गियर में चला रहा हूँ 80-85 की स्पीड पे। दोनों बाइक्स ऐसे चली हैं 90-80-90-80 ऐसे, बीच में ट्रैफिक भी था। NS 200 को भुगाओगे ना तो भाई 30 के नीचे देगी, और अगर आराम से चलाओगे तो भाई देख सकते हो 40 तक भी निकाल सकते हो। वैसे सबसे ज़्यादा राइडर के ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी माइलेज निकलेगी। चलो अभी अपनी बाइक चल चुकी 40.9 किलोमीटर। सो गाइस मेरी बाइक का ना ये कोई 5वीं बार माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, अभी मत बोलना कि अभी भी यकीन नहीं हो रहा है इस पर। अभी 41 किलोमीटर चल चुकी है ये। भाई बंद हो गई। सो गाइस ये भी बंद हो गई, देखते कितनी थी। पेट्रोल देख लेता हूँ टैंक में इसमें है कि नहीं। सो गाइस पेट्रोल तो है इसमें बट पीछे चला गया पेट्रोल। तो इस तरफ चलते गाइस नीचे वाली तरफ एक बार। अगर स्टार्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो इधर माइलेज इसका ख़त्म करते हैं। देखो होगी ना, इसके नीचे पेट्रोल है अभी, पूरा ख़त्म करेंगे एक बार नीचे जाके आते हैं। थोड़ा सा पेट्रोल बचा है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो भाई फिर से आप ही ला गए यार, फिर से बंद हो जाएगी, देखते जहाँ बंद हो जाएगी इधर ही कर लेते हैं 2-3 चक्कर मार के ख़त्म जितना होता है। निकले चढ़ जाएगी तो ठीक है, नहीं चढ़ेगी तो। बंद हो गई, इधर ही मारते चक्कर 2-3 देखते हैं। भाई अभी डाउन हिल में बंद होने स्टार्ट होगी, ख़त्म हो गए जो तेल बचा था इसमें वो भी ख़त्म हो गए गाइस। अभी नहीं होगी स्टार्ट। ख़त्म हो गए गाइस फ्यूल तो भी। हाँ तो कितनी चली है ये और दोनों को बताता हूँ फिर। गाइस एक बार फिर से देख लो, सेल्फ मारता हूँ इसमें मैं। ये देखो फ्यूल इसका भी ख़त्म हो चुका है अभी पूरे तरीके से। अभी माइलेज देखते हैं कितनी आई है। सो गाइस ये रहा इसका ट्रिप ए और ये रहा इसका ट्रिप बी। 43 की एवरेज दिया गाइस ने, पूरी 43 की। सो चलो अभी चलते हैं इधर से, फ्यूल डालते बाइक में और आगे जाके फिर वीडियो को एंड कर देंगे। सो गाइस चलो चलते अभी। सो गाइस फाइनली कुछ इस तरह की जगह पर आ चुके हैं अभी हम। पानी का बहाव देखो भाई बहुत तेज़ है,
और ये लगाई हमने अपनी दोनों बाइक्स, दोनों का माइलेज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसने दी 38.5 की माइलेज NS200 ने और RTR 200 ने दी 43 की एवरेज। सो काफ़ी बढ़िया एवरेज है और इसको आप अगर भगाओगे ना तो भाई पिछले वीडियो आपने देखी होगी अराउंड 27 की एवरेज दी थी इसने फुल हाइपर राइड में और इसका भी माइलेज टेस्ट किया मैंने भगा के। सो इसने मुझे अराउंड तब भी इतनी दी थी 42, 43, 44 इतनी निकाल देती है ये। और इसमें तो अपग्रेड टायर्स है, ये स्टॉक टायर्स है, अभी जब इसमें भी अपग्रेड हो जाएंगे तो 1-2 किलोमीटर का फ़र्क इसमें भी पड़ेगा। सो गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाकी लुक्स बताओ किसकी बेटर लग रही हैं, मुझे दोनों पसंद है यार। सो पावर के हिसाब से ये और माइलेज और कंफर्ट चाहिए तो भाई ये कंफर्ट तो इसमें मिल जाता है, बट इसमें आप टूरिंग वगैरह भी दोनों में कर सकते हो यार, अच्छी बाइक से दोनों। बाकी उसका इंजन थोड़ा सा मुझे अभी इतना पसंद नहीं है, उसमें 6th गियर होना चाहिए था, इसमें 6th गियर आपको मिल जाता है विद लिक्विड कूल इंजन और वो मिसिंग है उसमें लिक्विड कूल इंजन यार। अगर इन फ्यूचर अपग्रेड होती है बाइक तो भाई काफ़ी अच्छी बनेगी, ये तो अच्छी हाई है। तो चलो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, और कमेंट में बताना आपकी बाइक कितना एवरेज देती है। भाई ब्रिज कैसे कर रहा है भाई, भाई JCB की हुई भाई ब्रिज ऐसे ऐसे कर रहा है। सो गाइज इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, और राइड सेफ, राइड हार्ड एंड बेयर हेलमेट। बाय गाइज़।